मवाना सेक्टर 5 में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है, कई लोगों के फैक्ट्री में फंसे होने की आशंका। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाखुश आम आदमी पार्टी ने की बैठक, पार्टी के बड़े नेता और विधायक शामिल हुए बैठक में हुआ फैसला, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे विधायक। 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में आम आदमी पार्टी को विपक्ष का साथ मिलता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी सीपीआई के बाद शरद यादव का साथ मिला, एक सुर में सभी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले की निंदा की। लाभ के पद के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले विधायकों पर लाखों रुपए किए गए खर्च, लोगों को धोखा दे रही आम आदमी पार्टी। 20 विधायकों पर चुनाव आयोग के फैसले को लेकर मयंक गांधी ने आप पर निशाना साधा, कहा आयोग ने कानून के तहत काम किया है, आम आदमी पार्टी को पहले कानून तोड़ना और उसके बाद चिल्लाने की आदत। आपके नेता कुमार विश्वास ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कहा, संसदीय सचिव बनाना केजरीवाल का विशेषाधिकार था, यदि विधायकों की सदस्यता जाती है तो केजरीवाल को कष्ट होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद वो पार्टी से दूर है। आपके पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यदि चुनौती देती है तो इसे कोर्ट खारिज कर देगा। गुरुग्राम बीजेपी में गुटबाजी सामने आ गई है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में पार्टी जिला अध्यक्ष को नहीं दिया गया निमंत्रण, पोस्टर से जिला पदाधिकारियों की फोटो भी गायब। 12 साल से कम उम्र के बच्ची से रेप के मामले में हरियाणा सरकार फांसी की सजा की करेगी सिफारिश, सीएम खट्टर का बयान, कहा सरकार रेप के मामले में सख्ती से निपटने की कर रही है तैयारी। हरियाणा के यमुनानगर में पेरेंट्स मीटिंग में 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल को गोली मार दी, प्रिंसिपल की इलाज के दरमियान मौत, आरोपी छात्र को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जेएनयू में 2 विदेशी छात्राओं से छेड़छाड़ की वारदात, अलग अलग छात्राओं से की गई छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज की छेड़छाड़ और बदसलूकी की FIR, वारदात शिकार दोनों छात्रा ईरानी नागरिक। हरियाणा के पलवल में सरकारी स्कूल है, टीचर की करतूत सामने आई, छात्रा से जबरन डांस करवाया गया, वीडियो बनाया गया, छेड़छाड़ की गई, पुलिस ने 5 जूतों की सजा देकर मामला रफा दफा कर दिया। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कारपेट की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, फायर के करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी रही, आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। दिल्ली के थाना देशबंधु पुलिस ने पकड़ा शातिर चोरियों का गिरोह, गिरोह में 6 महिलाएं शामिल हैं, पुलिस ने 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया, बाकियों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में अजनारा बिल्डर के खिलाफ बायर्स का प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हंगामा किया, पुलिस ने समझाकर बायर्स को शांत किया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन पर सुसाइड, 67 साल के एक बुजुर्ग ने ट्रैक पर मेट्रो के सामने खुद कर जान दे दी, मृतक बुजुर्ग द्वारका सेक्टर 12 के पार्क व्यू अपार्टमेंट का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली के शाहदर इलाके में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर, फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 1 की मौत। दिल्ली के रजोकड़ी में जल बोर्ड का टैंकर खाई में गिर गया, हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौत हो गई, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के गांव मुर्तजापुर के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल, घायल बाइक सवार को गंभीर हालत में कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तिहुआ पुलिस की माने तो कार रतिया की नैलो विधायक रविंद्र की है, कार में विधायक की पत्नी और एक गनमैन सवार था, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के रोहड़ी में लड़की की बहादुरी के आगे मोबाइल स्नैचर पस्त हो गए, मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे स्कूटी सवार स्नैचर का लड़की ने विरोध किया, स्कूटी की चाबी निकाल ली, जिसके बाद स्नैचर स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। मोबाइल स्नैचर का बहादुरी से सामना करने वाली लड़की का आरोप है कि 100 नंबर पर कई बार कॉल करने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस को आने में 1 घंटे का वक्त लग गया। दिल्ली की कीर्तिनगर पुलिस ने स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया, एक महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया,
पकड़ी गई महिला पुरुष के भेष में वारदात को अंजाम दिया करती थी। दिल्ली पुलिस की माने तो स्नैचिंग की एक घटना के सीसीटीवी में कैद होने के बाद दोनों आरोपियों की पुलिस ने पहचान की थी। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला निहाल बिहार थाने की है। भजन गायिका ममता शर्मा मर्डर केस में रोहतक पुलिस का बड़ा खुलासा, साथ ही कलाकार मोहित ने ही की थी ममता शर्मा की हत्या। उसके दोस्त संदीप ने सबूत मिटाने और शव ठिकाने लगाने में मदद की थी।